नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय हो गया है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की खास खबर। कोरोना काल में कोई बेघर ना हो, हाई कोर्ट ने आदेश किए थे जारी। अब एचडीएफसी की याचिका पर वापस लिए, गिरवी पड़े घर हो सकेंगे नीलाम। शुरू हुआ पीजीआई का नया सत्र, सियाचिन के नायक कैप्टन बाना सिंह ने साझा किया अनुभव। और सेक्टर 42 के खेल परिसर में सुशोभित हुई 8 खिलाड़ियों की तस्वीरें, बलबीर सिंह सीनियर भी हैं शामिल। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए कई आदेश पारित किए थे, जिनमें एक आदेश यह भी था कि गिरवी रखे घर नीलाम नहीं होंगे, जिनकी नीलामी पर और कुर्की पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन अब एक वर्ष के बाद एचडीएफसी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन आदेशों को वापस ले लिया है, जिसके बाद अब गिरवी पड़े घर या फिर कुर्क हुए घरों को नीलाम किया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर भविष्य में कोरोना को लेकर के कोई और स्थिति पैदा होती है तो हाईकोर्ट इस आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है। पंचकुला की सेक्टर 26 स्थित क्राइम ब्रांच ने 2 तस्करों को 8 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने पकड़े गए दोनों नशा तस्करों को पंचकुला की अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को रिमांड पर लिया गया है। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि इस गांजे तस्करी के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। पंचकुला क्राइम ब्रांच 26 ने 2 अलग मामलों में 2 तस्करों को 8 किलो नशीला पदार्थ गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। ये तस्कर पंचकुला शहर में नशीला पदार्थ गांजा सप्लाई करने का काम करते थे। बता दें कि एक आरोपी को पंचकुला के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 से गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आरोपी को सेक्टर 21 के अमरटेक्स चौक की तरफ गश्त के दौरान शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि ये नशीला पदार्थ दिल्ली से लाया करते थे और करीब 1 साल से पंचकुला के विभिन्न स्थानों पर बेच रहे थे। ये क्या है कि ये हमने आज 2 आरोपी, वैसे तो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किए हैं, इसमें से एक आरोपी आसिफ अहमद जो है वो हमने सेक्टर 19 पंचकुला जो है इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ से गिरफ्तार किया है। इसको हमने तकरीबन 5 किलो और 350 ग्राम गांजा है उसके समेत हमने गिरफ्तार किया है। ये बहुत ही तकरीबन 1 साल से ये गांजा बेचने का काम इंडस्ट्रियल एरिया में कर रहा था। जो वहाँ पर रहने वाले जो मजदूर हैं या वो नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं वो इससे गांजा ले जाते थे, तो काफ़ी दिनों से हमने इसकी मुखबरी थी हमारे पास, तो लेकिन ये हाथ नहीं आ रहा था। तो क्राइम ब्रांच की कल टीम जब गश्त पे थी तो अचानक ही हमें वहाँ पर मिला और हमने इसको काबू किया, और इससे हमें काफ़ी खुलासा हुआ है कि ये काफ़ी मात्रा में माल जो दिल्ली वगैरह एरिया से लेकर आता है, और इसके मुकदमों में अंदर जो आगा इसका सप्लायर है उसका हमें पता लगा, जिसको हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। तो सर किन किन एरियाज में ये सप्लाई करता था ये माल? ये वो मैं बता रहा हूँ कि ये जैसे इंडस्ट्रियल एरिया जो है हमारा सेक्टर 19 पंचकुला में, जहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्री है और काफ़ी मजदूर वहाँ पे काम करते हैं, और साथ में चंडीगढ़ भी लगता है, मनी माजरा लगता है, और इधर पंजाब का बल्टाना एरिया भी लगता है, तो ये एक नेक्सस है। और ये हम कह नहीं सकते कि प्रॉपर एरिया में सप्लाई करते हैं, ये जो जहाँ मर्जी कर सकते हैं, ये इनका कोई प्रॉपर रिमांड मिला है। तो अभी हमने इसको 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है, हमने 4 दिन का लिखा था लेकिन 3 दिन का मिला है, तो हम जो आगे इसका मुख्य सप्लायर है उसको जल्द से जल्द काबू करके इस मुकदमा को कामयाब बनाने की कोशिश। क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने पकड़े गए दोनों नशा तस्करों को पंचकुला की जिला अदालत में पेश किया और एक आरोपी का 3 दिन का पुलिस रिमांड जबकि दूसरे का 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। वहीं पुलिस जल्द ही मुख्य तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पीजीआई चंडीगढ़ में सोमवार से नए सत्र की शुरुआत हो गई। इस नए सत्र की शुरुआत के लिए विशेष रूप से सियाचिन के नायक बाना सिंह मुख्य मेहमान के रूप में शामिल थे। बाना सिंह को सियाचिन में दिखाई शौर्य के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर मेडिकल स्टूडेंट्स ने भविष्य में नेक काम करने की और ईमानदारी से काम करने की शपथ भी ली। बाना सिंह ने इस मौके पर अपने शौर्य की गाथाएं सुनाकर सबको हैरान कर दिया। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर पंचकुला के सेक्टर 4 में आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पूरे राज्य से हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने कहा है कि वह कई बार अपनी मांगों के लेकर
सरकार को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही। यही वजह है कि उन्हें इस तरह के धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। पंचकुला में हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सेक्टर 4 में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में अपनी मांगों को लेकर प्रमुख अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंत्री विभाग के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और लंबित मांगों को पूरा किए जाने को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी की। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार पराशर ने बताया कि 24 सूत्रीय मांग पत्र विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है, लेकिन उनके मुद्दों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि उनकी एक मांग सिंचाई विभाग से संबंधित भी है। आज हमारा यहाँ कर्मचारियों की मांगों को लेकर के विशाल प्रदर्शन हो रहा है, जिसके तहत आज इंजीनियरिंग चीफ ने अपनी तरफ से चीफ इंजीनियर को डिपूट किया बातचीत के लिए, और उन्होंने 24 सूत्रीय जो मांग पत्र था हमारा, उस पर शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत भी करी और सभी मांगों पर हमारी सहमति बन भी गई थी। लेकिन इंजीनियरिंग चीफ जो आज दफ्तर छोड़ के फिर भागे, उन्होंने इस मामले में जो कमिटमेंट चीफ इंजीनियर ने की है उस पर डिस्प्यूट खड़ा कर दिया। अभी एक विशेष मांग के लिए जो सिंचाई विभाग में भी और पब्लिक हेल्थ में भी दोनों में समान काम से लागू करने के लिए चीफ इंजीनियर के नेतृत्व में इंजीनियरिंग चीफ इरीगेशन से मीटिंग करने के लिए गया हुआ है। जब हमारी या तो कोई सहमति बन जाती है, नहीं तो फिर हम दूसरा आगामी निर्णय लेंगे। तो मुख्यतः मांगे क्या है आपके? मुख्य मांगे हमारी डेली वेजेज जो कर्मचारी है, चाहे वो टर्म अपॉइंटमेंट पर है, चाहे ठेकेदारी पर तब है, चाहे पंचायत के तहत है, एक तो उसको 2 साल की सेवा के बाद रेगुलर करने की बात है। और जो सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया है कौशल रोजगार निगम, उसके तहत जो रेट बढ़ाए हैं वो रेट लागू किए जाएँ, और जो टर्म अपॉइंटमेंट के कर्मचारी हैं 2006 से जो लगे हुए हैं, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू कर रखा है महकमे के रोल पर, वो कर्मचारी काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं जिस प्रकार से सरकार ने गेस्ट टीचर को रेगुलर कर्मचारी के समान वेतनमान दे करके जो विश्वस्त किया, उसी प्रकार जो हमारे टर्म अपॉइंटमेंट के कर्मचारी हैं उनको भी समान काम समान वेतन के तहत रेगुलर कर्मचारी के बराबर वेतनमान दिया जाए। इसके अलावा केंद्र के समान वेतन और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के साथ मेडिकल कैशलेस सुविधा लागू करने की मांग भी की है। वहीं कर्मचारियों ने मांगे पूरी ना होने पर विधानसभा के घेराव की चेतावनी भी दे डाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सिटी टीवी। चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से स्वच्छता को लेकर एक नई मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम में नगर निगम के साथ चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट मिलकर चंडीगढ़ के लोगों को अवेयर करने का प्रयास करेंगे। कमिश्नर अंदिता मित्रा ने बताया कि इस मुहिम के जरिए चंडीगढ़ के हर एक घर में जाकर लोगों को स्वच्छता को लेकर अवेयर किया जाएगा और इसके अलावा लोगों को चाहे वह अच्छा हो या बुरा फीडबैक देने के लिए भी जागरूक किया जाएगा, ताकि नगर निगम जनता के फीडबैक को सामने रखकर काम कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में देश भर में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। इसके 8 साल बीत जाने के बाद भी चंडीगढ़ नगर निगम शहर को साफ नहीं कर पाया, लेकिन अब नगर निगम की तरफ से एक नई मुहिम स्वच्छता की कड़ी टूट ना जाए एक भी घर छूट ना जाए की शुरुआत की गई है। इस मुहिम में नगर निगम के साथ चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट मिलकर शहर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। निगम कमिश्नर अनंदिता मित्रा ने निगम दफ्तर से झंडा फहराकर इस मुहिम की शुरुआत की है। इस मौके पर अनंदिता मित्रा ने बताया कि इस मुहिम के जरिए शहर के एक एक घर में जाकर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाएगा, इसके साथ ही लोगों को फीडबैक देने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। जैसे आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत मिशन 1 खत्म होने के बाद अब स्वच्छ भारत मिशन 2 की शुरुआत हो चुकी है पिछले साल अक्टूबर से। उसके तहत हमारी कोशिश है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ की तरफ से कि चंडीगढ़ इंडिया का सबसे
सुंदर शहर तो है ही, उसके साथ ही सबसे साफ शहर भी बने। इसे सबसे साफ शहर बनाने में हमें अपने सिटीजन्स की मदद चाहिए। कॉरपोरेशन अकेला नहीं कर सकता है, और सिटीजन्स तक हमारी बात पहुंचाने के लिए चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एक पहल की गई। इन्होंने सतनाम सिंह संधू जी, जो कि हमारे चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर हैं और चेयरमैन हैं, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स की वॉलंटियर सर्विसेज हमें ऑफ़र की कि वो चंडीगढ़ के हर घर में जाएंगे और हमारा मैसेज हर घर के निवासी तक पहुंचाएंगे। पहला मैसेज तो हमारा हमारे सिटीजन से को ये है कि वो हमारे इस स्वच्छता सर्वेक्षण के मुहिम में हमारे साथ जुड़े, और उनकी कॉरपोरेशन अगर उन्हें लगता है कि अच्छा काम कर रही है, हाँ ऑफ कोर्स स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो ज़रूर हमारे लिए एक वोट डाल के चंडीगढ़ को नंबर वन बनाए। इस मौके पर चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर ने बताया कि लोगों को जागरूक करके ही चंडीगढ़ को स्वच्छता में नंबर वन रैंक पर लाया जा सकता है, और इसके लिए वे हर संभव कोशिश करेगी कि असि चंडीगढ़ नू नंबर वन ते लेके आन ले। सतनाम सिंह संधू जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, जो चंडीगढ़ एसटेट वेलफेयर दे ट्रस्ट ने, कि वह किमें साढ़े नाल अपने वॉलंटियर नाल जुड़ के असी डोर टू डोर जाके लोगों को अवेयर करांगे कि असी किमें फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि अवेयर तो बिना असी इस चीज़ नहीं कर सकते। सो मैं अपनी सारी कॉरपोरेशन की तरफ तो और उन्होंने की तरफ तो साड़ी यही मुहिम है कि असी किमें जो अभियान शुरू किया है स्वच्छ भारत मिशन का, उन्हें किमें पूरा करिए। चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट के फाउंडिंग मेंबर सतनाम संधू ने बताया कि शुरुआती कड़ी में 1000 के करीब वॉलंटियर्स इस मुहिम से जुड़े हैं, जो चंडीगढ़ में तकरीबन 3,00,000 लोगों को जागरूक करेंगे, और उन्हें उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और लोग भी इसमें जुड़ते रहेंगे। नहीं, हमें बहुत उम्मीद है जी, असर इसका डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये अपनी तरह की ऐसी कैंपेन है जो पहली बार की जा रही है, और इस स्केल पे कभी अवेयरनेस कैंपेन सिटीजन्स के लिए पहले नहीं हुई है। चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलके चंडीगढ़ के 2,40,000 जो हाउस होल्ड हैं उन तक पहुंचने का एक कार्यक्रम शुरू किया है, एक मुहिम शुरू की है। हमारे वॉलंटियर्स हर घर में जाएंगे, लोगों को स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में और स्वच्छता अभियान के बारे में उनको अवेयर किया जाएगा। ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये लोगों का मुद्दा है, उनकी उनकी लाइफ को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, और चंडीगढ़ शहर की जो पुरानी महिमा है, जो पोजीशन है, उसको कैसे हम रिट्रेन कर सकते हैं, वापस लेके आ सकते हैं। तो ये पूरे शहर का मुद्दा है। मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो लगी हुई है, शहर की जितनी भी NGOs हैं, जितनी भी वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं हमारी, और जितने भी हमारे यहाँ पर NGOs काम कर रहे हैं, वो सारे इसके साथ जुड़े हैं, और इसके साथ जो बाकी इंस्टीट्यूशन है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, पैक है, बाकी हमारे कॉलेजेस हैं, उन सभी को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी आप उनके स्टूडेंट्स भी वो भी आके इस मुहिम के साथ जुड़ें, ताकि हम हर घर तक पहुंच कर पाएं, लोगों को अवेयर कर पाएं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के 8 साल बीत जाने के बाद भी चंडीगढ़ नगर निगम शहर को साफ नहीं कर पाया। आए दिन निगम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के दावे कर रहा है, मगर स्वच्छता को लेकर अपनी ड्यूटी भूल चुका है। अब एक बार फिर से चंडीगढ़ नगर निगम ने इस मुहिम की शुरुआत की है। अब देखना होगा कि ये मुहिम कितना रंग लेकर आती है और शहर को कितना साफ किया जाता है। पंजाब केसरी TV के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। ओलंपिक और विश्व स्तर पर चंडीगढ़ के खिलाड़ियों के किए गए प्रदर्शन को याद रखने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने खेल परिसर सेक्टर 42 में उन 8 खिलाड़ियों के पोर्ट्रेट जारी किए हैं जिन्होंने चंडीगढ़ का देश और विदेश में नाम रोशन किया। इनमें हॉकी लीजेंड बलबीर सिंह को भी शामिल किया गया है। यह पोर्ट्रेट सेक्टर 42 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मुख्य द्वार पर लगाए गए हैं, जिसका उद्घाटन आज चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने किया। अब तापमान, ट्राइसिटी में सोमवार को अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 57% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान साफ रहेंगे, धूप खिली रहेगी, दिन का तापमान बढ़ेगा, लेकिन रात के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा।
ट्राइसिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब के सी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राइसिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आना को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।